नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे शाहजहां और मुमताज़ के बारे में, उनकी मजहब और उनकी उपाधि के बारे में, उनकी धार्मिक नीतियों के बारे में, परिवार के बारे में, शादी के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में और उसके बाद मृत्यु और साथ ही ताजमहल के बारे में। तो देखिए इस पूरी वीडियो को अंत तक। शाहजहां और मुमताज, अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 यानी के 1593, 17 जून 1631, 16 जनवरी 1628 से 17 तक मुगल साम्राज्य की सामग्री पत्नी थी। जून 1631 को मुगल बादशाह शाहजहां की मुख्य पत्नी के रूप में आगरा में ताजमहल, जिसे अक्सर दुनिया के अजूबों में से एक के रूप में अद्भुत किया जाता है, उसके पति ने उसकी कब्र के रूप में कार्य करने के लिए कमीशन किया था। मुमताज महल का जन्म आगरा में एक फारसी कुलीन परिवार में हुआ था। वो अबुल हसन आसफ खान की बेटी थी, जो एक अमीर फारसी कुलीन था, जिसने मुगल साम्राज्य में उच्च पद संभाला था और सम्राट जहांगीर की मुख्य पत्नी और सम्राट के पीछे की शक्ति महारानी नूरजहां की भतीजी थी। उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में 10 मई 1612 या 16 जून 1612 को राजकुमार खुर्रम से हुआ था, जिसे बाद में उनके शाही नाम शाहजहां के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने उन्हें मुमताज महल की उपाधि से सम्मानित किया था। महल में से एक, हालांकि 1607 से शाहजहां से मंगनी की, वो अंततः 1612 में उसकी दूसरी पत्नी बनी। मुमताज और उनके पति के 14 बच्चे थे, जिनमें जहां आरा बेगम और क्राउन प्रिंस द्वारा शिकोह वारिस पश्त का अभिषेक उनके पिता द्वारा किया गया, जो मुमताज द्वारा अपदस्थ होने तथा अस्थाई रूप से उनके उत्तराधिकारी बने। महल की छठी संतान औरंगजेब, जो अंततः 1658 में छठे मुगल बादशाह के रूप में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में बुरहानपुर दक्कन में हुई थी। उनके 14वें बच्चे के जन्म के दौरान गौहर आरा बेगम नाम की एक बेटी थी। शाहजहां ने उसके लिए एक मकबरे के रूप में ताजमहल बनवाया था, जिसे अमर प्रेम का स्मारक माना जाता है। अन्य मुगल शाही महिलाओं की तरह उनकी कोई समकालीन समानता स्वीकार नहीं की जाती है, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद से कई कल्पित चित्र बनाए गए। उन्हें गलत तरीके से ताज बीबी कहा जाता है, जो उनके मुमताज की उपाधि से भ्रष्ट थी और वास्तव में उनकी सास जगत गौसाई की उपाधि थी। परिवार और प्रारंभिक जीवन। उनका परिवार 1577 में गरीब भारत आया था, जब उनके पिता मिर्जा गयास बेग को आगरा में सम्राट अकबर की सेवा में ले जाया गया था। आसफ खान महारानी नूरजहां के बड़े भाई भी थे, जिन्होंने मुमताज को भतीजी बना दिया और बाद में शाहजहां के पिता सम्राट जहांगीर की मुख्य पत्नी नूरजहां की सौतेली बहू थी। उनकी बड़ी बहन परवर खानम ने बदायूं के गवर्नर नवाब कुतुबुद्दीन कोका के बेटे शेख फरीद से शादी की, जो बादशाह जहांगीर के पालक भाई भी थे। मुमताज का एक भाई भी था, शाइस्ता खान, जिसने शाहजहां के शासनकाल के दौरान बंगाल और साम्राज्य के कई अन्य प्रांतों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। मुमताज सीखने के क्षेत्र में उल्लेखनीय थी और एक प्रतिभाशाली और संस्कारी महिला थी। वो अरबी और फारसी भाषाओं में परंगत थी और बाद में कविताएं लिख सकती थी। वो विनम्रता और स्पष्टवादिता के संयोजन के लिए प्रतिष्ठित थी। एक महिला जो गर्भ जोशी से सीधी सादी थी, फिर भी खुद पर हावी थी। किशोर अवस्था की शुरुआत में उसने क्षेत्र के महत्वपूर्ण रईसों का ध्यान आकर्षित किया। जहांगीर ने उसके बारे में सुना होगा, क्योंकि उसने शाहजहां के साथ उसकी सगाई के लिए तुरंत सहमति दे दी थी। शादी। मुमताज महल की शादी 5 अप्रैल 1607 के आसपास शाहजहां से हुई थी, जब उस समय 14 साल की थी। हालांकि उनकी शादी के 5 साल बाद यानी कि 10 मई 1612 या 7 जून को शादी हुई थी। 1612 आगरा में उनके विवाह समारोह के बाद शाहजहां ने उस समय की सभी महिलाओं के बीच अपनी उपस्थिति और चरित्र का चुनाव करते हुए उसे मुमताज महल की उपाधि दी गई। उनकी सगाई और शादी के बीच के वर्षों के दौरान शाहजहां ने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी कंधारी बेगम से 1610 में शादी की थी
और 1617 में मुमताज से शादी करने के बाद एक तीसरी पत्नी इजुन्निसा बेगम लिया, एक प्रमुख मुगल दरबारी की बेटी थी। आधिकारिक अदालत के इतिहासकारों के अनुसार दोनों विवाह राजनीतिक गठबंधन थे। सभी खातों से शाहजहां को मुमताज के साथ इस कदर लिया गया था कि उसने अपनी दो अन्य पत्नियों के साथ अपने बहुविवाह अधिकारियों का प्रयोग करने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा प्रत्येक के साथ एक बच्चे को कर्तव्य पूर्वक पालने के अलावा आधिकारिक अदालत के इतिहासकार मोटा मिद खान के अनुसार, जैसा कि उनके इकबाल नमा ए जहांगीर में दर्ज है, उनकी अन्य पत्नियों के साथ संबंध विवाह की स्थिति के अलावा कुछ और नहीं थे। शाहजहां की अंतर्गता गहरा स्नेह, ध्यान और एहसान था, क्योंकि मुमताज़ ने अपनी अन्य पत्नियों के लिए जो महसूस किया उससे अधिक हो गया। इसी तरह शाहजहां के इतिहासकार इनायत खान ने टिप्पणी की कि उनकी पूरी खुशी इस शानदार महिला पर इस हद तक केंद्रित थी कि उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दूसरों की और उस स्नेह का एक हर्जावा हिस्सा जो उसने उसके लिए किया था। मुमताज़ ने शाहजहां के साथ प्रेम विवाह किया था। उनके जीवन काल में भी कवि उनकी सुंदरता, कृपा और करुणा की प्रशंसा करते हैं। अपने लगातार गर्भधारण के बावजूद मुमताज़ ने अपने पहले के सैन्य अभियानों और बाद में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह के दौरान शाहजहां के दल के साथ यात्रा की। वो उसके निरंतर साथी और भरोसेमंद विश्वास पात्र थी, जिसने अदालत के इतिहासकारों को उस जोड़े के अंतरंग और कामुक संबंधों का दस्तावेजीकरण करने के लिए अनसुना लंबाई तक जाने के लिए प्रेरित किया। उनके विवाह के 19 वर्षों में उनके एक साथ 14 बच्चे हुए, जिनमें से 7 की मृत्यु जन्म के समय या बहुत कम उम्र में हो गई थी। मुगल साम्राज्य 1628 में अपने सौतेले भाई शहरयार मिर्जा को वश में करने के बाद शाहजहां ने मुमताज को पदशाह बेगम और मलिका उज जमानिन और मलिका हिंदुस्तान महारानी के रूप में मुमताज का कार्यकाल संक्षिप्त था। उनकी असमयिक मृत्यु के कारण केवल 3 वर्षों की अवधि में फिर भी शाहजहां ने उन्हें ऐसी विलासिता प्रदान की जो उनके सामने कोई अन्य सामग्री नहीं दी गई थी। वो शाहजहां की एकमात्र पत्नी भी थी जिन्हें हजरत के रूप में संबोधित किया गया था। उदाहरण के लिए किसी अन्य सामग्री के निवास को खास महल के रूप में सजाया नहीं गया था। जहां मुमताज शाहजहां के साथ रहती थी, ये शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों से सजाया गया था और इसके अपने स्वयं के गुलाब जल के फवारे थे। मुगल बादशाह की प्रत्येक पत्नी को उसके गेस्ट हाउस के लिए नियमित मासिक भत्ता दिया जाता था। रिकॉर्ड पर इस तरह का सबसे अधिक भत्ता शाहजहां द्वारा मुमताज महल को दिया गया, यानी कि मुमताज महल को दिया जाने वाला 1 मिलियन रुपए प्रति वर्ष है। इस आय के अलावा उन्होंने उसे बहुत अधिक आय वाली भूमि और संपत्तियां दी। शाहजहां ने मुमताज के निजी मामलों और राज्य के मामलों दोनों में परामर्श किया और उसने उनके करीबी विश्वास पात्र और विश्वसनीय सलाहकार के रूप में कार्य किया। जब भी किसी अधिकारी ने मामले भेजे या लोगों ने अनुरोध किया तो उसने पहले मामले की सूचना महारानी को दी और उसके साथ समझ और परामर्श के ज्ञान के साथ निर्णय लिया। उसकी हिरासत में उसने दुश्मनों को माफ कर दिया या मौत की सजा को बदल दिया। उसका उस समय इतना भरोसा था कि उसने उसे देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। उसकी शाही मोहर मेहर उज, जिसने शाही फरमानों को मान्य किया। मुमताज को राजनीतिक सत्ता की कोई आकांक्षा नहीं होने के रूप में चित्रित किया गया था। उनकी चाची महारानी नूरजहां के विपरीत सम्राट जहांगीर की मुख्य पत्नी, जिन्होंने पिछले शासनकाल में काफी प्रभाव डाला था, उन पर एक निविरोध और महान प्रभाव अक्सर गरीबों और निराश्रितों की ओर से हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने हाथी और युद्ध के झगड़े को अदालत के लिए प्रदर्शन करने का भी आनंद लिया। मुमताज ने कई कवियों, विद्वानों और अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी संरक्षण दिया। एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्रा महारानी की पसंदीदा थी। अपनी प्रमुख लेडी इन वेटिंग सती उन्निसा की सिफारिश पर मुमताज महल ने गरीब विद्वानों, धर्म शास्त्रियों और धर्म परायण पुरुषों की बेटियों को पेंशन और दान प्रदान किया। मुगल साम्राज्य में कुलीन जन्म की महिलाओं के लिए वास्तुकला का काम करना काफी आम था, इसलिए मुमताज ने कुछ समय आगरा में एक नदी के किनारे के बगीचे में समर्पित किया, जिसे अब जहरा बाग के नाम से भी जाना जाता है। ये एकमात्र वास्तुशिल्प नींव है जिसे उसके संरक्षण से जोड़ा जा सकता है। मृत्यु और उसके बाद। मुमताज महल की मृत्यु 17 जून 1631 को बुरहानपुर में
प्रसवोत्तर रक्त स्राव से हुई थी। जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, लगभग 30 घंटे के लंबे श्रम के बाद जब वो दक्कन के पठार में एक अभियान लड़ रहा था, तब वो अपने पति के साथ वहाँ गई थी। उसके शरीर को अस्थायी रूप से बुरहानपुर में एक चार दीवारी में दफनाया गया था, जिसे जैनाबाद के नाम से जाना जाता है, जिसे मूल रूप से ताप्ती नदी के तट पर शाहजहाँ के चाचा दनियाल द्वारा निर्मित किया गया था। समकालीन दरबारी इतिहासकारों ने मुमताज महल की मृत्यु और शाहजहां के निधन पर शोक की ओर असामान्य रूप से ध्यान दिया। उनके शोक के तुरंत बाद सम्राट कथित तौर पर गमगीन था। जाहिर है कि उनकी मृत्यु के बाद वो एक साल के लिए एकांत शोक में चले गए। जब वहां से वो फिर से प्रकट हुआ, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, उसकी पीठ मुड़ी हुई और उसका चेहरा ख़राब हो गया था। मुमताज की सबसे बड़ी बेटी जहां आरा बेगम ने धीरे धीरे अपने पिता को दुख से बाहर निकाला और अदालत में अपनी मां का स्थान लिया। मुमताज महल की व्यक्तिगत संपत्ति को शाहजहां ने जहां आरा बेगम जिसे आधी प्राप्त हुई और उसके बाकी बच्चों के बीच विभाजित कर दिया गया। बुरहानपुर को उसके पति ने अपनी पत्नी के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में कभी नहीं बनाया था। परिमाण स्वरूप दिसंबर 1631 में उनके शरीर को अलग कर दिया गया और उनके बेटे शाह शुजा मृतक महारानी की प्रमुख लेडी इन वेटिंग और प्रतिष्ठित दरबारी वजीर खान के साथ एक सुनहरे ताबूत में वापस आगरा ले जाया गया। वहां इसे यमुना नदी के किनारे छोटे से भवन में विसर्जित किया गया। शाहजहां उस सैन्य अभियान को समाप्त करने के लिए बुरहानपुर में रहा, जिसने उसे मूल रूप से इस क्षेत्र में लाया था। वहाँ रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के लिए आगरा में एक उपयुक्त समाधि और अंत्येष्टि उद्यान के डिजाइन और निर्माण की योजना बनाना शुरू किया। ये एक ऐसा कार्य था जिसे पूरा करने में 22 साल लग गए, यानी कि ताजमहल। ताजमहल मुमताज महल की कब्र। ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनवाने के लिए बनवाया था। इस अटूट प्रेम और वैवाहिक भक्ति के अवतार के रूप में देखा जाता है। अंग्रेजी कवि सर एडविन अर्नॉल्ड ने इसका वर्णन वास्तुकला का एक टुकड़ा नहीं है जैसा कि अन्य इमारतें हैं, लेकिन जीवित पत्थरों में एक सम्राट के प्यार का गर्व जुनून है। स्मारक की सुंदरता को मुमताज महल की सुंदरता के प्रतिनिधित्व के रूप में भी लिया जाता है और ये जुड़ाव कई लोगों को ताजमहल को स्त्री के रूप में वर्णित करने के लिए प्रेरित करता है। चूँकि मुस्लिम परम्परा कब्रों पर विस्तृत सजावट की मनाही करती है, मुमताज और शाहजहां के शरीर को आंतरिक कक्ष के नीचे एक अपेक्षाकृत सादे तहखाने में रखा जाता है। उनके चेहरे दाईं ओर मक्का की ओर मुड़े हुए हैं। क्रिप्ट में मुमताज महल के मकबरे के किनारों पर भगवान के 99 नाम सुलेख शिलालेख के रूप में पाए जाते हैं, जिनमें ओ नोबल, ओ मैग्निफिकेट, ओ मैजिस्टिक, ओ यूनिक, ओ इटर्नल, ओ ग्लोरियस शामिल है। इस मकबरे के नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं और उनमें से एक का सुझाव ताज मुमताज नाम का एक संक्षिप्त नाम है। यूरोपीय यात्री जैसे फ्रांसवा बर्नियर, जिन्होंने इसके निर्माण का अवलोकन किया, इससे ताजमहल कहने वाले पहले लोगों में से थे। चूँकि उनके नाम के साथ आने की संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे आगरा के स्थानीय लोगों से उठाया होगा जो महारानी ताजमहल कहते थे और सोचते थे कि मकबरे का नाम उनके नाम पर रखा गया था और नाम का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए किया जाने लगा। लेकिन नहीं, पुख्ता सबूत नहीं बताते। शाहजहां का ताजमहल में किसी अन्य व्यक्ति को समाधि देने का इरादा नहीं था। हालांकि औरंगजेब ने शाहजहां को अपने पिता के लिए एक अलग मकबरा बनाने के बजाय मुमताज महल के मकबरे के बगल में दफना दिया था। ये शाहजहां की कब्र को उसकी पत्नी की कब्र के एक तरफ जो केंद्र में है के विषम स्थान में स्पष्ट है। उम्मीद करते हैं आपको ताजमहल, मुमताज और शाहजहां की कहानी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी इस वीडियो के जरिए मिल गई होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।